अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक और सुबह बख़ैर। खीर सर से मोहम्मद इमरान जाफ़िर AWC के साथ। और नाज़रीन, आज जो है हमारा सफ़र का आगाज़ होगा खीर सर से नवाकोट तक, किला नवाकोट तक। और ये भी बहुत एडवेंचरस सफ़र है, और अंदाज़ा ये है कि ये 20 किलोमीटर तक का सफ़र होगा ये। और इस दौरान तमाम हाइकर्स जो है वो ये एडवेंचर करेंगे, जिसमें रैम्बलर कोर्स करने वाले हाइकर्स भी शामिल हैं। और मैं आपको थोड़े से मनाजिर दिखाऊं कि इस वक्त तैयारियां उरूज पर हैं। कैंपर्स जो है वो रेडी हो चुके हैं, और कुछ कैंपर्स नीचे वैली में नाश्ता भी कर रहे हैं, और बाकी कैंपर्स अपने अपने खेमों में सामान तैयार कर चुके हैं। और आज भी हिदायत यही जारी की गई हैं कि अपने साथ पानी की बॉटल और कंपास ज़रूर रखें, ताकि आपको अपनी सिम का तयन करने में आसानी हो। सहरा का सफ़र, जैसे जैसे दिन निकलता है वैसे वैसे रेत गर्म हो जाती है, और सहरा की रात इंतहाई ठंडी थी। और गुज़श्ता रात तो ये पोजीशन थी कि सुबह जो पानी हमने मुँह हाथ धोने के लिए रखा था वो जम चुका था, और बामुश्किल हम लोग जो है मुँह हाथ धो पाए। बहर तौर ये इस एडवेंचर का हिस्सा है, लेकिन इन तमाम सूरत हाल को हाइकर्स ने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। और आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा आज की एक्टिविटीज़ के लिए। अभी कुछ देर में असम्बली होगी, और उसके बाद तमाम हाइकर्स अपनी अगली मंजिल की जानिब रवाना होंगे। मौजूद हैं किला नवाकोट, और ये किला द्रावड़ से कमोबेश 100 किलोमीटर के फासले पर है। यहाँ पर जैसे कि हमने अपनी हाइक के आगाज़ में कहा था कि यहाँ पर हम
कुछ ऐसी एडवेंचरस एक्टिविटीज़ करेंगे जो स्काउट्स के मुख्तलिफ कोर्सेज का हिस्सा है, रैम्बलर बैच का हिस्सा है, जिसमें हाइकिंग और पनाहगाह तामीर करना और बग़ैर बर्तन के खाना पकाना। तो आज इस सिलसिले में स्काउट्स ने पनाहगाह तामीर की है हाजिर वसाइल से, जो फॉरेस्ट में, जंगल में या डेजर्ट में जो वसाइल मुयसर होते हैं, और इस वक्त इंस्पेक्शन टीम उनकी उन पनाहगाहों की इंस्पेक्शन के लिए तैयार है। तो हमारे साथ मौजूद हैं सैयद मंजूर हुसैन शाह साहब, उनसे हम जानेंगे कि इस एक्टिविटी का मकसद क्या है और आज वो स्काउट्स को किस तरह से इनकी हौसला अफजाई करेंगे कि जिन्होंने ये तमाम जो है ना अरेंजमेंट्स किए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जिस तरह आपको बताया है कि ये हमारा रोवर स्काउट्स का एक प्रोफिशिएंसी बैच होता है, रैम्बलर बैच, ये हाइक उस बैच को मुकम्मल करने के लिए थी। और इस बैच के दौरान, इस हाइक के दौरान स्काउट्स पैदल सफ़र करते हैं 100 किलोमीटर से ज़्यादा, और उसमें एक रात जो होती है वो इन्होंने खुद अपने तौर पर शेल्टर्स बनाने होते हैं, पनाहगाहें बनानी होती हैं और वहाँ के जो वसाइल मौजूद होते हैं उनके मुताबिक। तो आए आपको दिखाते हैं कि इन्होंने क्या कुछ किया हुआ है। जरूर। शेयर पेट्रोल, होशियार अल्लाह। आप कहाँ से हैं? सर मैं डिस्ट्रिक्ट भावनगर से। भावनगर से कौन कौन से बैजेस आपने किए? सर कायदे आज़म बैज किया हुआ है, राइट, क्लीनिनेस बैज किया हुआ है, राइट, उसके अलावा हाइक्स वगैरह की। कायदे आज़म कहाँ से किया था? सर कायदे आज़म, सॉरी, क्लीनिनेस बैज किया हुआ। अच्छा, आपने नाइट स्टे इधर ही किया था? चले आ जाएं तो हमें दिखाएं। गुड, वेरी गुड। ये आपने तैयार किया है? जी सर। आपने कौन से बैजेस पहले पास किए हैं? SSC को, स्काउट लीडर को, राइट, सर किया हुआ। गुड। और सर 1.5 साल हो गया स्काउटिंग। सर वालेकुम सलाम, हमारा पेट्रोल मुआयदे के लिए तैयार है। वेलकम, आइए।
जी नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा कि स्काउट्स के रेगुलर कोर्स के हवाले से एक पनाहगाह तामीर की मुख्तलिफ पेट्रोल्स ने, और सैयद मंजूर हुसैन शाह साहब ने उसका विज़िट किया, और दीगर जो हमारे साथ ऑफिशल्स हैं, हबीब तरीन साहब हैं और दीगर NHQ के जो हमारे ऑफिशल्स हैं, उन्होंने विज़िट किया। तो सर ये बताइएगा कि आपको कैसा लगा और आपने कैसा पाया जो स्काउट्स ने एफर्ट्स की? माशाल्लाह बड़ा अच्छा काम किया हमारे स्काउट्स ने, और ये तरबियत के एक मदारिज होते हैं, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जब ये इससे भी ज़्यादा बेहतर करेंगे। ये इनके फर्स्ट अटैम्प्ट थी, तो आपने भी देखा कि आपको भी बड़ी चीज़ें अच्छी लगी। तो इसी तरह जब इन मदारिज से गुज़रते हैं, कैंपिंग करते हैं, तो कैंपिंग में हमारे स्काउट्स बहुत कुछ सीखते हैं। और जिस तरह के मैंने आपको बताया कि स्काउटिंग जो है एक इंसान के अखलाकी और जिस्मानी तरबियत का हिस्सा है इसमें, तो ये अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो बड़ा मुतमईन हूँ और बड़े अच्छे अंदाज में इन्होंने काम किया। अच्छा सर ये बताइएगा कि मुख्तलिफ इलाकों के बच्चे हैं और इन पेट्रोल वाइज आपने तकसीम किया, इसमें मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के भी हैं और मुख्तलिफ इलाकों के भी हैं, पाकिस्तान के मुख्तलिफ कल्चर, मुख्तलिफ ज़बानें बोलने वाले, मुख्तलिफ मसालिक और मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले इसमें स्काउट्स भी हैं, तो ये कैसा एक्सपीरियंस होता है? ये बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस होता है, और इसकी कौम को बड़ी सख्त ज़रूरत है कि यकजहती और हम आहंगी पैदा की जाए कौम में। तो हम अपने तौर पर ये कोशिश करते हैं। पखैर अगले एक पख्तून था, तो उसने बाकी सबको भी बताया कि पखैर अगले ये वेलकम के तौर पे इस्तेमाल होता है, और उन सबको पता चला। तो इसी तरह ये एक इंटीग्रेशन है, नेशनल इंटीग्रेशन के लिए ये एक काम होता है। बहुत शुक्रिया सर। वेलकम। नासिर, स्काउटिंग एक ऐसी सरगर्मी है जो बुनियादी तौर पर नौजवानों में उनकी किरदार साजी में बहुत अहम किरदार अदा करती है, और ख़ास तौर पर उन्हें वतन अज़ीज़ का मुफीद शहरी बनाने के लिए इसका बहुत ज़्यादा किरदार है। तो कोशिश कीजिए अपनी नस्ल नौ को इस तहरीक के साथ मुंसलिक कीजिए, ताकि वो अच्छी अकदार, अच्छी रवायात और अच्छे सिटीज़न होने का सबूत दे सके। तो मज़ीद ऐसी मुफीद दिलचस्प वीडियोज़ के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। AWC डिजिटल मीडिया देखते रहिए, हमें लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। मोहम्मद इमरान जाफिर को चोलिस्तान से दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।